सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ये सेंसे समतट ग्रीन हाल गुरुद्वारा साहिब जी लंदन विच ने कलंकल की अवतार ने उत्थे दे संगतां दे बेनती करन ते महाराज जी ने हर बाणी बख्शिश की थी, जिस विच पुरख अकाल परमात्मा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, कलयुग धरनी सारे अपने अपने बयान देंदे ने। वीरो ये पार्ट 7 है, इस करके ये हर बाणी ते बहुत लंबी चौड़ी महाराज ने तकरीबन 1 घंटा 60 मिनट बख्शिश की थी। पर जिस किसी वीर नूं इस पूरी बाणी पढ़ने का इंटरस्ट हो नेकलंक हर शब्द .com खोलो और सेंसेई सम्मत 8 दी ये लिखत पढ़ सकते हो। वीरो आओ इस हर बाणी नूं विचारीए पढ़िए ते सांझा करिए। धरनी कहे हाए ए क्यों जा वेला आना वकत, प्रभ की तेरी बेपरवाही आ, कि सारी दुनिया सृष्टि तेनू भुल जावे जगत, जागृत जोत बिन वर्ण गोत न कोई रसनाई आ, कोटा विचों कोई दिसे तेरा भगत, भगवान तेरा दर्श कोई ना पाए आ, ओ किसे लेखे लगेगी बूंद रगत, जननी कुख कमन बड़े आई आ। जट कालजुग ने कहा वो धरनीए मेरी गोविंद नाल शर्त, वो मेरी शरा दिती बनाई आ, उस मैनू प्यार दिता दिलासा दिता, जिथे मेरे बच्चे नीयां उत्ते आए फर्श, इस फर्श उत्ते फैसला तेरे हाथ रखाई आ। क्योंकि गुरु कलयुग ने गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा विच फतेह दा जकारा बोल दिता, उन्हें बख्शिश कही। धरनी कहे मैं रोवा नाले हसा, बिन नैना नीर बहाए आ, मैं किसनू हाल दसा किसनू दया सुनाए आ, किसदी चरनी टठा कमल ले उठाए आ, मैं फिर दी मंदर मठा मस्जिद पंध मुकाए आ, शिव दुआलिया कह कह अपनी खुलियां कीतियां लिटा मिंडी ले खिलाए आ, मैं किस दे द्वारे बिका जो मेरी कीमत ले पाए आ, मेरा लेखा लेना देना निका निक्यू बड़ा कमन मेरा लेख हथ रखाई आ, मैं चाहती जे कलयुग कूट कढ़ियारे का बदल जाए सिक्का, बेशक भावें सिकम तो सिरों होवे लड़ाई आ। वीरो ये भी एक समा आएगा, मेरी ये वो अंतम इच्छा निसरत पूरी देनी कराई आ, इस करके मैं चाहती सारी दुनिया उत्ते सृष्टि उत्ते नानक दे गम नाम दी आत्म परमात्म दी परमात्मा आत्म दी सब दी होवे सिखा, सिखिया दूजी नजर कोई ना आई आ। जेड़ा आद तू विष्णु ब्रह्मे शिव नू लिख के दिता, चार जुग ओसे दा ढोला गाए आ, तू अपरंपार स्वामी पिता पत परमेश्वर तेरे हथ बड़े आई आ। और क्या काल कहा मैं गहर गमीरा गवरी कह खवाई अपने बारे च, मेरा ना कोई तन वजूद शरीरा रूप रंग रेख ना कोई रखाई आ, ना कोई खुशी गमी दिलगीरा चिंता चिखा ना कोई जनाई आ, मैं जुग जुग सब नू देमन हारा तीरा तीरजे अपने विचों प्रगटाई आ। पर एक वचन धरनी याद रख लै, जिस वेले रविदास गंगा विच दिता सी कसीरा, उसकी कौडी तुरदे लेखे पाईया नाले, हस के क्या भगतां दा आप चुकांगा बेड़ा, अंतम कलयुग अपने कंधे उठाईया, बेशक दीन दुनी दा मार्ग होवे पीड़ा, औखी घाटी ना कोई चढ़ाईया। भगतां लई महाराज ने बख्शिश कर दिती। अवतार पैगंबरां गुरुआं तेरे नाम कलमे दी बनाई बंत, कागज कलम शाही नाल लिखाई आ, पर फिर भी क्यों नहीं पवित्र होंदे तेरे जीव जंत, निर्मल रूप ना कोई जनाई आ, क्यों नहीं गढ़ टूटना हुमे हंगत, हंग ब्रह्म ना कोई समाई आ, सच दस तू परमात्मा एक सर्व व्यापक, तेरी आत्मा एक तेरा पंजा तत्तां वाला दिता शरीर एक,
क्यों ना तेरा इको नाम जप के सारे चट लंघाए। मैं चाहती मेरे उत्ते मानस मनुख मनुख तेरे प्यार विच जान टेक टिकी तेरे चरना तूड़ी खाकर माए आ। ये बेनती करी रही धरती चट कल जुगनू आ गई निश छिक मार के रिया सुनाए आ। नींद धरनी है जिन्हा चिर दीन दुनी कूट कड़ियार दी करनी विच न गई विक ओना चिर मेरा लेखा तेरे उत्तू न कोई बदलाई आ। वो ते कड़ी नाम जप दे ते मैं अठे पैर उन्होंने अंदर मारदा रहा खिच 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 के अपने काया मंदिर विचों बार कढ़ाई आ। उस सभा विच जांदा जिथे रस रसना दा मिलदा मिठा आत्म रस दी लोड़ न कोई रिखाई आ। नाले सब दी ठोकदा पिठा कलयुग जीबो सूरमियो बहादुरो गुरे अवतार पैगंबरां दा लेखा अपने नाल रिखाई आ। हुण वेखी कि लोड़ा पैणा विच मुल्ला शेखां महमन दा मकबरा चार युग चार यार रो रो देन दुहाए आ। तेरा तेरे उत्ते चौदहवीं सदी उसका पूरा होना ठेका अगे पट्टेदारी नज़र कोई ना आई। मुहम्मद दियां 14 सदियां खत्म हो गई हजरत ईसा दियां 20 सदियां खत्म हो गई। एको हुक्म फिरना सतगुर शब्द दा जो शब्द सतगुर पुरख अकाल दा गोविंद बेटा जिसनों जन्मे कोई न माए आ। जो हर कटे अंदर लेटा सुख आसन बह के आत्म से सुहाए आ। वो इको इंकार सच्ची सरकार दा बनना नेता जिस निजर नेते भगतां देने खुलाए आ। मैं अवतारा पैगंबरां गुरुआं दी होवां मशकूर निम निम लागां पाए आ। जिस तरह तुसी सचखंड विच इको नूर इसे तरह लोक मात इको रूप सृष्टि द्यो बनाए आ। इको सतगुर नाम दे बेड़े ये सब दा कट्ठा पहे पूर दूजी बेड़ी ना कोई चलाई आ। जो शब्द आसा मनसा करे पूर सो सतगुर पूरा इको शब्द 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 सतगुर लो मनाए आ। जो नेड़े जो ना नेड़े ना दूर घर घर अपना खेल खिलाई आ। तरनी कहे बेशक मेरी बड़ी होई बंडी इसे जगत वाले पाए आ। छोटी छोटी चली दीन दुनी दी डंडी निलावत इको नूर करके चट लंघाई आ। अंतम कलयुग लेखा आया कंडी मेरे उत्ते रहन ना पाए आ। मैं इको पुरख अकाल दे मंग मंगी नानक सतगुर नाल रखाए आ। तेरा सूरबीर जोधा इको शब्द होवे पुचंगी गोविंद नूर नुराना नजरी आई आ। जो अंत लैना देना मुकाए सर्व बर पंडी ब्रह्मंडा अपनी कार भुगताई आ। मेरा महबूब मेहरबान अंतम मेनू लावे अंगी अंगीकार करके दया कमाए आ। तरनी कह मेरी छेती होवे मेरी साती होवे ठंडी हरजन गुरमुख गुरसिख भगत संत सूफी सब दा पर्दा टोला गाए आ। ज्योति जो सो अपनी कृपा कर करे खेल साचा हर ने कलंक नारायण नर महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान आ जुगा जुग चौंकड़ी निर्गुण सरगुण सरगुण निर्गुण खेल खेले बहुरंगी पार ब्रह्म पत परमेश्वर पुरख अकाल अकल कलतारी अपना हुक्म बरताई आ। ओदियां कलां दा कोई पता नहीं गुरु अवतार पैगंबर कोई 14 कलां कोई 16 कलां ओदियां अनगिनत कलां दा मालिक है। ओ कलधारी अपना हुक्म जड़ा है जदों दिल चाहे अदों बरता दिंदा वीरो असीं सारे उहदे चरणां दी धूड़ हाँ। गुरु अवतार पैगंबर सारे उसदे सेवक ते मजदूर ने ब्रह्मा विष्णु महेश भी जदों चाहे सृष्टि नूं बदल दिंदा है ओ ब्रह्मा विष्णु महेश नूं भी बदली कर दिंदा 994 चौकड़ी युग बाद। ये वह सुहाना समा है जदों परमात्मा मातलोक विच गोविंद नाल आया है आण के सब कुछ संसार च धर्म चेंज जिहड़ा एक धर्म इंसानियत धर्म चला दिता नवें युग का नवा विधान बना दिता खान पीन का तरीका नवा ब्याह शादियों का नवा अंतम का समा नवा हर एक चीज़ परमात्मा ने चेंज कर दी। इस करके वीरो असी भी आओ नवें युग में एंटर करिए सतयुग लग चुका है सतयुग के विधान मनीए तो
असीं भी नंद विचों नंद मिलेगा, उहदे चरणां दे विच अपना शीश झुका लो। बाकी ये जिहड़ियां झूठियां मूर्तियां जिहड़ियां पीरां फकीरां देवियां देवतें दे, ये सब खत्म हो गए। तीरे तट किनारे सारे महाराज ने आ के खत्म कर दिते। इको वो मात लोक दे विच आया जिहड़ा सारिआं नूं भेजण वाला। सो हंग महाराज छेद सिंह विष्णु भगवान दी जय।